हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ MPS 01 का। आपका एक नया चैप्टर है, ये यूनिट 7 है, कर्तव्य बोध। आपका जो है MPS 01 का यूनिट 7 जो है कर्तव्य बोध, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं, उन सभी को जो है मैंने यहाँ पे ऐड करा है। और सभी को जो है, जैसे इग्नू में आपको जो है बुक में काफ़ी लेंथी दे रखा है, उसी को मैं यहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से आपको जो है समझाऊंगी। उसके जो वहाँ पे आपके बुक में जो भी लिखा है उसको इजी करके हम मैंने इस नोट्स में लिखा हुआ है, और आपको जो है इजी वर्ड्स में ही आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो स्टूडेंट, आप जो है वीडियो को एंड तक देखें, आपका पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और साथ साथ मैं माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे जो है आपके MPS MA पॉलिटिकल साइंस के जितने भी बुक्स के चैप्टर हैं, उन सभी बुक्स के चैप्टर जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे हम। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा। और साथ में जो है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन और जो है इंपॉर्टेंस चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो भी आपको पता चलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कर्तव्य बोध क्या है? कर्तव्य बोध, पहले हम जानेंगे कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य यानी कि इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वही तो कर्तव्य को हम कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं कर्तव्य। उसकी अगर डेफिनेशन हम पढ़ें, वैसे तो वर्ड से ही समझ में आता है। एक कर्तव्य ये विहित करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य उन शर्तों को तय करता है जो व्यक्तियों के समूह पर उनके सामाजिक व्यवहारों में बंधनकारी है। कर्तव्य यानी कि हमारी ड्यूटीज़ हमें क्या बताती हैं, कर्तव्य क्या बताते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कर्तव्य उन शर्तों को तय करते हैं जो व्यक्तियों के समूह पर उनके सामाजिक व्यवहारों से बंधनकारी है। अगर कोई व्यक्ति समाज में किसी भी व्यवहारिक बंधन से अगर बंधा हुआ है तो वो उसके कर्तव्य डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर हम किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो वो इंसान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो है कर्तव्य है उसकी जो है देखभाल करना। तो जो है हम एक सामाजिक व्यवहारों पे यहाँ पे जो है बंधनकारी हैं, इस वजह से जो है हम कर्तव्य अपना निभाते हैं। पर यहाँ पे बात हो रही है फैमिलीज़ की नहीं, यहाँ पे सामाजिक व्यवहारों की बात हो रही है। यानी कि समाज में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, समाज में हमारे समझो समाज से जैसे जुड़े हुए हैं, तो हर व्यक्ति की अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। हमारा क्या समाज में रहने के लिए क्या कर्तव्य हो सकता है, वो हो सकता है कि हम जो है हमारे समाज में जो भी कानून नियम बनाए गए हैं उसको हम लागू करें, उसको हम जो है अपनाएं। समाज में जो भी रहने के लिए हमें चीज़ें अपनानी चाहिए उन सबको जो है हम उसे फॉलो करें, उन सब चीज़ों को, तो उसे कहते हैं हम सामाजिक व्यवहारों में हम क्या है बंधनकारी है। हमारे जो भी सामाजिक व्यवहार हैं उसमें हम बंधे हुए हैं, और ये हमें हमारे कर्तव्य बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए समाज में और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसे कहते हैं कर्तव्य। अब अधिकार क्या होते हैं? अधिकार को जो है कर्तव्यों से जोड़कर ही यहाँ पे माना जाता है। जो कर्तव्य होते हैं वही व्यक्ति के अधिकार को मतलब कि उससे जोड़ते हैं। कर्तव्य को अधिकारों के सहसंबंध के रूप में देखा गया। यदि एक व्यक्ति अधिकार रखता है तब दूसरा, चाहे व्यष्टि हो या समूह हो अथवा राज्य, जैसा भी मामला हो, उन अधिकारों की संरक्षण में प्रोत्साहन हेतु कर्तव्यों की एक श्रृंखला से संपन्न है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि किसी का कुछ कर्तव्य है तो दूसरा व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि उस कर्तव्य को वो जो है उसको कोई भी अगर समूह है या राज्य है उसका संरक्षण करे। कोई व्यक्ति की अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में, जैसे कि हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो भी राज्य ने, हमारी सरकार ने जो भी कानून नियम बनाए हैं समाज में, उसे रहने के समाज में रहने के लिए हमें वो कानून नियम क्या है अपनाने पड़ेंगे। पर राज्य का यहाँ पे क्या फ़र्ज बनता है कि वो उन अधिकारों की रक्षा करे, जो हमारे कर्तव्य हैं हम उसे निभा तो रहे हैं, पर उसकी अगर कोई हमें उस कर्तव्य को ठेस पहुँचा रहा है तो उसकी रक्षा करना यहाँ पे किसका काम होता है? सरकार का। तो सरकार क्या है? एक अधिकार रखती है, हमारे कर्तव्यों को जो है संरक्षण देती है। तो अधिकार और कर्तव्य ये जो है यहाँ से एक संबंध के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। अधिकार और कर्तव्य जो है आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति का कुछ कर्तव्य होता है तो दूसरा व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि उसके कर्तव्यों को रक्षा करे, उसके कर्तव्यों की। जैसे कि हमारे अधिकार है कानून का जो है कर्तव्य,
और सरकार का अधिकार ये होता है कि वो उस कानूनों की रक्षा करे। तो इस तरह से कानून में जो है कर्तव्य अधिकार एक ही माने जाते हैं। तो कर्तव्य और अधिकार एक साथ जुड़े हुए। कर्तव्य अधिकारों के विभिन्न अंतराल हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि विकल्प यानी कि कर्तव्य और अधिकार कहाँ कहाँ लागू होते हैं, या फिर जो है क्या कर्तव्य एक व्यक्ति के उसमें क्या अंतराल आते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि विकल्प सिद्धांत, विकल्प सिद्धांत यानी कि कर्तव्य अगर हमारे कुछ हैं तो हमारे पास एक विकल्प भी होता है। विकल्प यानी कि कुछ कर्तव्यों को टालने का, हम जो है अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ कर्तव्य जो है टाल सकते हैं। जैसे कुछ भी सरकार कोई कानून बनाती है और हम जो है उसे कभी कभी टाल देते हैं, जैसे कि जुर्माना हमें देना होता है कभी भी, तो हम उसे जो है नकार देते हैं और कभी कभी उसे नहीं देते हैं। तो हम जो है हमारे पास एक विकल्प सिद्धांत होता है कि हम जो है कर्तव्यों को टाल सकते हैं। स्वत्व सिद्धांत, कानून कर्तव्य के आधार पर सबके लिए समान होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो तो पहला व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। तो कर्तव्य में ये भी आता है स्वतः सिद्धांत, यानी कि सभी के समान कर्तव्य होंगे और अगर कोई इन कर्तव्यों को कोई दूसरा व्यक्ति हमें जो है, अगर हम कर्तव्य अपने निभा रहे हैं सीधी तरह और कोई दूसरा व्यक्ति इसमें कष्ट हमें पहुँचा रहा है तो वो व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए यहाँ पे सरकार द्वारा। इसे कहते हैं स्वत्व सिद्धांत, कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और दंड, दंड व्यक्ति को कर्तव्य के बोझ तले दबाना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो सरकार का ये काम होता है कि उसे दंडित करे। अगर ये सब चीज़ें मतलब हम मानते हैं, ये मतलब इन सब चीज़ों को हम जो है कर्तव्य के साथ जोड़ते हैं, हमारे पास कर्तव्य हैं तो हमारे पास विकल्प सिद्धांत है, स्वत्व सिद्धांत यहाँ होना चाहिए और अगर कोई कर्तव्य नहीं निभाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। अब कर्तव्य अधिकार क्या होता है ये हमने जान लिया, बट यहाँ पे रूढ़िवादी और समाजवादी जो गांधी जी थे, और तो इन्होंने जो है अपने विचार दिए कर्तव्य और अधिकार पे, और ये लोग कर्तव्य और अधिकार में से किसको मानते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रूढ़िवाद कैसे विचार रखते हैं, रूढ़िवादीवादी के अनुसार हम कर्तव्य और अधिकार पढ़ेंगे। रूढ़िवादी कैसे विचार रखते, ये कैसे विचार रखते जो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में मानते थे और कुछ भी नया करने से ये डरते थे या फिर कुछ नया जो है समाज में नहीं होने देते थे। तो रूढ़िवाद क्या करते हैं, वो अधिकारों की जो है आलोचना करते हैं कि अधिकार जो है व्यक्ति को मतलब एक घमंडी इंसान बना देते हैं, उसके पास अधिकार होते हैं तो अपनी मनमानी करता है। तो रूढ़िवाद तो ऐसे थे कि वो पुराने रीति रिवाजों में मानते थे, इस वजह से जो है वो अधिकार को नहीं मानते, क्योंकि अगर उसके पास अधिकार दे दिए जाएंगे तो व्यक्ति अपनी जो उसके मतलब कुछ नया, अधिकार का मतलब होता है कुछ नया इंसान को दिया जाएगा, कुछ जो है नया किया जाएगा समाज में। पर अधिकार इस वजह से रूढ़िवादी नहीं मानते क्योंकि अधिकार व्यक्ति को कुछ नया करने को बोलते हैं और रूढ़िवाद जो है पुरानी चीज़ों में मानते हैं, इसलिए वो कर्तव्यों का साथ यहाँ पे देते हैं। यानी कि कर्तव्य क्या होते हैं जो पुराने टाइम से हमें चलते आ रहे हैं और जिसमें है कर्तव्य को वो ऐसी रूढ़ी के साथ जोड़ देते हैं यहाँ पे कर्तव्य को, जैसे कि आस्था, निष्ठा और समर्पण, सहयोग। यहाँ पे वो कहते हैं कि अधिकार तो हमें नहीं मानने चाहिए और कर्तव्यों पर जो है रूढ़िवाद जोर देते हैं। और कर्तव्य वो क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति को आस्था रखनी चाहिए, निष्ठा और पूरा अपना सहयोग देना चाहिए, समर्पण सहयोग की यहाँ पर बात करते हैं। और जो है ये पुरानी चीज़ों को ही मानते हैं कर्तव्य के अंतर्गत, कि जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उसमें आस्था रखे व्यक्ति, उसमें अपना जो है समर्पण सहयोग यहाँ पे दे। इसके बाद समाजवादी क्या कहते हैं, समाजवादी के अनुसार कर्तव्य व अधिकार ये अधिकारों की श्रेष्ठता को नकारते हैं। यहाँ पे समाजवादी भी जो है अधिकारों की आलोचना करते हैं और ये कर्तव्यों की बात करते हैं। सद्गुणों व सामूहिक कल्याण को बढ़ावा दे सकता है, इनका मानना है कि कर्तव्य जो होते हैं व्यक्ति के वो समाज में जो है सामाजिक कल्याण यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि हर व्यक्ति अगर अपना जो है कर्तव्य निभाएगा और मतलब जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं वो निभाएगा तो यहाँ पे एक सामूहिक कल्याण की बात जो है सामूहिक कल्याण यहाँ पे स्थापित होगा। और अधिकारों को ये भी नकारते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी के अनुसार कर्तव्य व अधिकार, गांधी जी ने भी यहाँ पे जो है अधिकारों को नकारते हैं और व्यस्त व शासन व स्वराज को कायम रखते हैं। यानी कि गांधी जो है उस यहाँ पे अधिकारों को उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों का यहाँ पे हटाया है और स्वराज की बात करी है कि व्यक्ति को जो है अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं, सरकार द्वारा, यानी कि जो वो कहेगा उसको हमें मानना पड़ेगा।
पर यहाँ पे गांधी जी कहते हैं हम हर व्यक्ति को अधिकार नहीं मानने चाहिए, स्वराज करना चाहिए। स्वराज करना चाहिए यानी कि सव्य पर राज, सव्य के जो है शक्ति है हमारी, जो हमारा मस्तिष्क है उस पर हमें अपना कंट्रोल होना चाहिए और जो है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। और गांधी जी जो है प्रभुत्व स्थापना का विरोध करते हैं, यानी कि प्रभुत्व स्थापना यानी कि राज्य जो चीज़ चलाता है, अपनी शक्ति को जो आजमाता है, एक प्रभुत्व हमारे ऊपर बना हुआ है, हमारे पास जो है हमारे ऊपर एक शक्ति बनी हुई है, तो उसका गांधी जी विरोध करते हैं कि प्रभुत्व शक्ति नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को स्वराज करना चाहिए, सव्य की शक्तियों को जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए और उसे जो है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। समानता को महत्व दिया, समानता को इन्होंने महत्व दिया और लिंग भेद जन्म वर्ग जाति जैसे तर्कों को निरस्त करते हैं, जैसे कि समाज में जो है जो जाति का भेदभाव हो रहा है, जन्म को लेके हो रहा है लिंग भेद का, इसको ये नकारते हैं और समाज में समानता स्थापित करने की बात करते हैं। ये सब जो है कर्तव्य के अंतर्गत ये कह रहे हैं गांधी जी। और जो है गांधी जी के स्वराज पर धर्म की अवधारणा को इन्होंने अहिंसा अवधारणा से जोड़ा है, यानी कि गांधी जो स्वराज की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो है अपने मस्तिष्क पर जो है काबू होना चाहिए और सव्य पर राज करना चाहिए, सव्य के अनुसार चलना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने इसकी ये स्वराज की इस अवधारणा को अहिंसा अवधारणा से यहाँ पे जोड़ा है। अहिंसा अवधारणा गांधी जी की ये थी कि हमें जो है किसी भी व्यक्ति का अगर हमें विरोध करना है तो हमें जो है हिंसा का साथ नहीं लेना है, अहिंसा अपनानी है। तो गांधी जी स्वराज और अहिंसा को जो है आपस में जोड़ के बोलते हैं कि हर व्यक्ति का अगर सव्य पर राज होगा, सव्य पे कंट्रोल होगा खुद पर, तो वो जो है एक अहिंसा को अपनाएगा यहाँ पे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क पर अब कंट्रोल कर सकता है, तो वो जो है एक अहिंसा को यहाँ पे अपनाएगा और समाज में जो है एक संबंध स्थापित यहाँ पे होगा, समाज में अहिंसा नहीं होगी। और तो यहाँ पे जो है ये गांधी जी जो है कर्तव्य का साथ देते हुए ये सब बातें कहते हैं और जो है अधिकार को यहाँ पे नकारते हैं। और ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार कर्तव्य व अधिकार क्या थे, ये आपसे जो है हर बार पूछा जाता है, तो ये इसलिए मैंने आपको जो है थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे बताया है। कर्तव्य के हम प्रकार देखेंगे, तीन प्रकार के कर्तव्य यहाँ पे हमें बताए गए हैं। पहला होता है वंचना को टालने हेतु कर्तव्य। वंचना का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी को भी किसी चीज़ से वंचित रखना, यानी कि उस बात से किसी भी बात से अनजान रखना, हमें अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो हम क्या है वंचित, तो हमें जो है वंचना को टालने हेतु कर्तव्य ऐसा व्यवहार को ना करने हेतु बातें करता है जो दूसरे को उस स्थान से वंचित कर दे, उस साधन से वंचित कर दे, यानी कि वंचना को टालने हेतु कर्तव्य हमें ऐसा कर्तव्य बता रहा है ये कि हमें जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे के साधन जो है उससे दूर हो जाए या फिर वो उससे वंचित हो जाए। तो हमें जो है सबके अधिकारों को देना चाहिए, सबके जो कर्तव्य हैं उनको यहाँ पे देना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से यहाँ पे वंचित ना रह जाए। इसके बाद आता है रक्षा हेतु कर्तव्य। ये जो है रक्षा की बात करता है। रक्षा हेतु कर्तव्य एक द्वितीय कर्तव्य है। कई ऐसे सामाजिक संस्थाएं कार्यरत हैं जो ये कर्तव्य करती हैं। सामाजिक संस्थाएं यानी कि राज्य में जो भी समाज कल्याण के लिए जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं, जो समाज में शिक्षा देंगी और जो है समाज में लोगों को वंचित होने से रोकेंगी, यानी कि शिक्षा दी जाएगी तो हर व्यक्ति को उनके कर्तव्य भी पता चलेंगे, उनके अधिकार पता चलेंगे, तो है ये जो है एक तरह से रक्षा यहाँ पे कर रहा है हर व्यक्ति की। सामाजिक संस्थाएं ऐसी कुछ बनाई गई हैं जो व्यक्ति को है उनके अधिकारों के उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाती हैं और जो है उन्हें शिक्षा प्रदान करती हैं। सहायता प्रदान करने हेतु कर्तव्य। सहायता की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि हम व्यक्ति को किस तरह से सहायता दे सकते हैं, ये एक हमारा कर्तव्य होता है। उनके लिए संसाधन के हस्तांतरण को जन्म देते हैं जो अपनी उत्तरजीविता का प्रबंध नहीं कर सकते, यानी कि सहायता यहाँ पे हम किसको सहायता में किसके लिए करनी चाहिए, यहाँ पे जो लोग अपनी उत्तरजीविता का यानी कि अपने जो उनके जीवन जीने के लिए जो साधन है वो खुद उसको नहीं संभाल सकते हैं, उनकी हमें यहाँ पे सहायता करनी चाहिए। और ऐसे लोग कौन होते हैं, जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, और इसके अलावा वो लोग भी जो है जैसे कि हमारे माता पिता है वो अगर बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उनको भी है हमें सहायता करनी चाहिए। तो ये सहायता करने हेतु कर्तव्य के अंतर्गत आता है।
और उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंध करें जो अपने आप मुहैया करने में असमर्थ है, यानी कि वही हमारे जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं। अगर माता पिता हैं तो यहाँ पे उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने छोटे बच्चों की यहाँ पे देखभाल करें, सहायता प्रदान करने हेतु कर्तव्य। और अगर कोई मतलब माता पिता बुज़ुर्ग हैं तो बच्चों का ये फर्ज बनता है उसकी उनकी सहायता के लिए यहाँ पे काम करें, क्योंकि वो जो हैं अपनी सहायता करने के लिए खुद यहाँ पे जो है इतने मतलब नहीं है मुहैया, अपनी जो है संसाधन खुद यहाँ पे नहीं बटोर सकते हैं, इस वजह से उनकी हमें सहायता यहाँ पे करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आता है कि सहायता हमें उन लोगों की करनी चाहिए जो लोग जो है जो किसी प्राकृतिक त्रासदी से जो है असहाय हो जाते हैं, जैसे कि कई जगहों पर भूकंप आ जाता है या कुछ जो है ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस वजह से जो है जिन लोगों के घर बार छूट जाते हैं, तो वो लोग भी जो है अपने आप अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं, तो हर देश का ये फ़र्ज बनता है कि उनकी सहायता करें, तो ये भी जो है सहायता प्रदान करने हेतु कर्तव्य में यहाँ पे आता है। तो ये तीन प्रकार के कर्तव्य होते हैं, वंचना को टालने हेतु कर्तव्य, रक्षा हेतु कर्तव्य और जो है हर व्यक्ति को सहायता प्रदान करने हेतु कर्तव्य। कर्तव्य के प्रकार भी बहुत बार स्टूडेंट्स पूछ लिया जाता है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूढ़िवादी के अनुसार कर्तव्य अधिकार क्या थे और समाजवादी के अनुसार वह गांधी जी के अनुसार जो है कर्तव्य के अधिकार ये कर्तव्य और अधिकार क्या हैं, ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी थोड़े पॉइंट्स में आपको जो है इस पूरी चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है, और अगर आपको उसके फुल नोट्स चाहिए तो आप जो है हमें बता सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो है इसके फुल नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें कि आपके सारे ही चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो, आपके हेल्पफुल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर पर चाहिए, या फिर जो है कौन सा चैप्टर जो ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर फिर जो है हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको जो भी डाउट्स मतलब कि स्टूडेंट्स के होंगे चैप्टर से रिलेटेड उसको लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।